हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय। मेरे चैनल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह है रेशियो। ठीक है, आपको जो मैं आज रेशियो के बारे में बताऊंगा, आपका कुछ इसका बेसिक होगा और इस बेसिक से ही काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी एग्ज़ाम्स में, तो आप इसको समझने की कोशिश करना। जैसे कि रेशियो, ठीक है, अगर हमारी नंबर की कोई भी फॉर्म होगी, ठीक है, इसे हम रेशियो कह सकते हैं। जैसे 1/2 है तो इसे हम 1:2 कह सकते हैं। अगर मान लीजिए आप पे है 1/2, तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 × 2, 2 + 1, 3/2, यानी कह सकते हैं हम 3:2। ठीक है, ये हमारा रेशियो के फॉर्म में आ जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। ठीक है, जैसे कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है हमारा इस कंसेप्ट बेस। कौन सा कंसेप्ट? पड़ोसी का माल अपना माल, अपना तो अपना ही है। यानी एक ऐसा बंदा है रेशियो जो कि दूसरे की माल लूटने की कोशिश करता है और अपना जो खजाना है वो छुपा के रखता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे बात करेंगे। और जो अपना खजाना छुपाता है वो तो भाई सुरक्षित है, अगर वो कोई दिखाने के लिए रखता है तो वो उसका लुट जाता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं जो, ठीक है, जो अपना माल दिखाएगा वो गवाएगा। सीधे सीधे कंसेप्ट ये है हमारा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने देखा आपका ये क्वेश्चन है, जैसे 2 = 3, अब पूछ रहा हमसे 2:2। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 2:2। ठीक है, तो हम देखें तो यानी कि इसे कह सकते हैं ए ने अपने नीचे रखा है, यानी कि अपने इसने खजाने में रखा है, तो इसने 2 माल अपना छुपाया है। और इसने कितना छुपाया है? इसने छुपाया है 3। तो देखें तो हम कह सकते हैं 2, इसने 2 छुपाया है। और इसने कितना छुपाया है? पहले दूसरे वाले ने, इसने छुपा रखा 1। ठीक है, अब गए लूटने। ठीक है, ए ने कहा भाई मैं लूट के आता हूँ, बी ने कहा मैं भी लूट के आता हूँ। अब इनकी चालाकी देखिए, इन्होंने सब माल छुपा रखा, अपना कोई दिखाई नहीं रखा। अब भाई जो दिखाएगा नहीं तो वहाँ उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला। तो ए गया बी पे, इसे कुछ नहीं मिला, इसे मिला 1। ठीक है, और जो बी गए के पास, इसे मिला 1। तो यहाँ पे आपका रेशियो आया 2:3। ठीक है, ये आपका रेशियो ऐसे बना आपका। ठीक है, जैसे थोड़ा आगे बढ़ के कोशिश करेंगे समझने की। जैसे अब क्या हुआ, अब ए ने अपना 2 माल छुपा रखा है, ठीक है, और बी ने अपना, इसे हम 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो ए ने अपना 2 माल दिखा रखा है, बी ने 3 माल दिखा रखा है, छुपाया इन्होंने कुछ भी नहीं। ठीक है, रखा है थोड़ा बहुत रखा है बस। ठीक है, अब क्या होता है जब 1 माल इसने अपना रख रखा है, ठीक है, रेशियो 1 माल इसने रख रखा है, ठीक है, इनटू, ठीक है, अब देखने गए वहाँ तो भाई ए गया देखने, इसने कहा बहुत सारा माल है भाई 3 से लूटूं, तो इसने 3 उठा के ले आए। अब बी गया देखने के पास, भाई ये बहुत चोर हो रहा है, और 2 उठा दिए इसने, यहाँ से 2 उठाए। और याद रखना, ये गया लेने और ये भी गया लेने, दोनों काम सेम टाइम पे हो रहे हैं। तो ये यहाँ से अपना युद्ध करने गया ए पे, और ये युद्ध करने गया बी पे। ठीक है, अब वहाँ भाई कुछ मिला नहीं, सब एक दूसरा खजाना उठा के ला रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका रेशियो जो बनेगा वो रेशियो 3:2 बनेगा। ठीक है, पड़ोसी का माल, अपना तो अपना ही है इस कंसेप्ट से। चलो इसे एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे 2A, 3B, 4C, हमने देखा इसने अपना माल 1 छुपा के रखा है, इसने 1 छुपा के रखा है, इसने 1 छुपा के रखा है। ठीक है, यानी तीनों ने अपना एक एक माल छुपा के रखा है। ठीक है, अब बी गया लेने, ठीक है, बी ने गया तो सेम टाइम पर हो रहे हैं। ठीक है, अब ए ने अपना 2 माल दिखा रखा है, बी ने 3 माल दिखा रहा है, सी 4, यानी कि कौन है सबसे अमीर इस समय? इसमें 4 है सबसे अमीर। ठीक है, तो गया भाई ए गया, ठीक है, ए गया बी पे, यहाँ इसे बहुत ज़्यादा माल दिखा, 3 माल दिख गए इसको। ठीक है, और
और फिर इसने कहा भाई ठीक है आगे एक और राज्य है सी, सी से भी हमला करो, ठीक है। तो बी और सी, फिर यहाँ 3, 4 जा 12, तो यहाँ टोटल इस पर 12 हो गया, और अपना 2 हार गया, ठीक है अपना 2 हार गया, ठीक है। क्यों हारा? क्योंकि अब इसका बी और सी दोनों लेंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे अब बी ने 3 गवा दिया, इसने 3 गवा रहा है अभी, ठीक है। अब जो बी है ये जाएगा ए पे, यहाँ 2 माल मिला, और सी पे जाएगा, ठीक है, 4, 4 2 जा 8, इसे यहाँ पे 8 माल मिले, ठीक है। अब सी जाता है, सी बोलता है मेरा तो बहुत लूट गया भाई, मैं भी जाता हूँ लूटने, ठीक है। तो क्या करता है ये, पहले 3 पर जाता है, उसके बाद 2 पर जाता है, फिर अपने घर आ जाता है, ठीक है। फिर क्या आता है अपने घर, ठीक है। तो 3, 2 जा 6, तो आप कह सकते हैं जो आपका रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 12, कितना 12:8:6। अगर हम इसको छोटा करें और, ठीक है, अगर छोटा करें तो हमारा कट सकता है कैसे, 2 से 2, 6 जा 12, 2, 4 जा 8, 2, 3 जा 6, यानी हम कह सकते हैं आपका ए रेशियो बी रेशियो सी आपका इतना बन गया, ठीक है। काफ़ी आसान कंसेप्ट है, आप समझने की कोशिश करना इनको, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन करें, काफ़ी समझना आसानी होगी। जैसे हमने देखा ए ने कितना छुपाया है, 2, कितना छुपाया है ए ने छुपाया है 2, ठीक है। बी ने कितना छुपाया है, इसने 3 छुपाया है, यानी कि 3 तो इसका सेफ है, ठीक है, और इसने 4 छुपाया है, ठीक है। अब गया ए लूटने, ठीक है, अब गया ए लूटने, ए गया लूटने, इसने दिखा 2 माल दिखे इसको, ठीक है, और यहाँ 3, ठीक है, इतना सारा हीरे जवाहरात कुल मिला के दिख रहे हैं इसको। तो ए ने पहले इस पर कब्जा किया, ठीक है, बी पर, फिर सी पर कब्जा किया, तो हम कह सकते हैं 3, 2 जा 6, 6 माल मिला इसको बाहर से, और 2 अपना है पहले से। ऐसे ही बी है, बी गया ए पे, यहाँ कुछ मिला नहीं, फिर गया सी पे, ठीक है, 3 अपना सेव है और 2 इसने गवा दिया। ऐसे ही 4 तो सेव है, ठीक है, अब 3 गवाएगा, अब सी गया बी पे, बी भाई का 2 दिखे, अब ए पे कुछ दिखाई नहीं, ठीक है, इसने कहा भाई अब जो मिल रहा है वही उठाऊँ, 2। तो हम इसका सीधा सीधा कह सकते हैं आपका जो रेशियो निकल के आएगा वो निकल गया 6 2 जा 12, क्या निकल गया 12:3 3 जा 9 4 2 जा 8, यानी हम कह सकते हैं आपका जो ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के आया आपका 12:9:8 आपका निकल गया, ठीक है। आपका इस कंसेप्ट में लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है। ए का कितना माल सेब है, 3, बी का कितना माल सेब है, 4, और सी का कितना माल सेब है, 5। अब भाई लूटने गया, सबसे पहले किसकी बारी, ए की, ए गया लूटने, बी के पास कुछ मिला नहीं और सी के पास मिला 3, और अपना 2 माल गवा बैठा इतने भी, जहाँ जब तक गया, ठीक है, तो अपना 2 माल गवा चुका है, ठीक है, 2 माल गवा चुका है, ये 3 है, ठीक है। अब बी गया लेने, ठीक है, इसको टेंशन नहीं, इसका माल तो भाई छिपर का सारा दिखा, तो एक ने रखा, तो गया ए पे, खुश हो गया, 2 माल मिल गए इसको, फिर गया सी पे, इसने कहा यहाँ पे 3 मिल गए, 3, 2 जा 6, बाकी 4 सेम है इसके। ऐसे ही अब सी, सी का तो तीसरा 3 माल लूटने वाला है, 5 सेब है, ठीक है भाई, बहुत सेब कर रखा है। अभी जाता है बी पे, से कुछ मिलता है नहीं, बड़ा दुख होता है, फिर जाता है ए पे, तो यहाँ से 2 माल उठा के लाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि अब इनका रेशियो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो निकल गया 3:9:6:24 और 5:10, जो आपका रेशियो निकल के आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, ये निकल के आएगा ये, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखें अब एक नया कंसेप्ट सीखें, ठीक है, जो आपका ए रेशियो बी, अगर आपको 2 रेशियो दे रखे हैं, ठीक है, 2 ग्रुप में दे रखे हैं, ए बी बी सी सी डी, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे 2 कंसेप्ट यूज़ होते हैं, यानी कि 2 मेथड। जो मेथड फर्स्ट है
वो आपका, वो कहता है जैसे हम पहले लिख देंगे ए, ठीक है, बी लिख दिया और सी, ठीक है, इन्हीं का तो रेशियो निकालना हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो इनके नंबर लिख दिए, ए हमको 3 दे रखा है और बी दे रखा है 2, ठीक है। अब जो हमारा बी है ये 2 दे रखा है, और यहाँ पे हमारा जो हमारा सी दे रखा है ये 4 दे रखा है, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे सिंपल सिंपल कर सकते हैं, ठीक है, देखा जाए तो हम इसको क्या करेंगे, देखो तो इसमें पड़ोसी का माल अपना माल कंसेप्ट लगा, तो जो यहाँ पे तो 2 जो खाली स्थान भरेंगे, 2 यहाँ पर अपना खाली स्थान भर देगा और ये 2 वाला यहाँ अपने बगल वाला खाली स्थान भर देगा। अब तीनों करते हैं इनटू, ठीक है, इनटू क्या कितना आया, 4 2 8, ठीक है, और 2 2 4 4 आया ना, और 3 2 6, यानी इसे फिर काटा हमने तो हमें पता चला कितना आ रहा है, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर ठीक है कोई भी 3 रेशियो निकालने हैं हमें, ए बी सी निकालने हैं, कोई बीच का एक कॉमन है, ठीक है, बी कॉमन है और उनकी संख्या सेम है, यहाँ पे संख्या जैसे 2 2 सेम है, तो आपका सीधे सीधे हम कह सकते थे पहले से कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3:2:4, ठीक है, आ सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, हम सीधे सीधे भी लिख सकते, यानी कंसेप्ट समझे, यानी कि इंटू करके भी सेम आ रहा है और वैसे करके भी सेम आ रहा है, बट यहाँ पे जो बी है इसकी वैल्यू दोनों जगह 2 2 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। अगर समझ लीजिए कि ये है आपका, ठीक है, इसमें संख्या चेंज है तो इस समय वाला कंसेप्ट तो लगेगा नहीं, सीधे सीधे वाला, तो भाई ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी माना कितना 3, ए रेशियो बी रेशियो सी इधर 3, इधर रखा 2, इधर 3, इधर 2। अब हमने देखा कि यहाँ पे खाली स्थान भरना है, ठीक है, तो इधर का खाली स्थान कौन भरेगा, 2 भरेगा, नहीं भरेगा, और 3 कहाँ का भरेगा, इधर का। अब देखा तो 3 को इंटू किया तो हमारा है 2 2 4, 3 2 6, 3 3 9, अब इसको हम छोटा नहीं कर सकते, छोटा हम नहीं कर सकते, तो ये हमारा यहाँ पे रेशियो आ गया, तो ए रेशियो बी रेशियो सी आपका क्या आ गया, ये आ गया। जैसे एक और क्वेश्चन देखें तो जैसे ए बी बी सी सी डी अगर 4 आ गया, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए बी सी और डी, ठीक है, देखिए अब देखिए 2 3, ठीक है, इधर भी 2 3 और फिर आया 2 3। अब देखें तो रिक्त स्थान भरेंगे, कौन भरेगा, ये भरेंगे, तो रिक्त स्थान भरा इन्होंने, तो वही देखें तो 3 भरेगा यहाँ पे, ठीक है, फिर ये 3 भरेगा इधर, ये 3 का इधर भरेगा, 2 इधर भरेगा, ये 2 इधर भी भरेगा और 2 इधर भरेगा। अगर इनको इंटू किया हमने तो हम देखा 3 9 9 7, ठीक है, 3 9 9 2 18, ठीक है, सब रेशियो जा रहे हैं, 3 2 6 6 2 12, ठीक है, और 2 2 4 4 2 8, ये आपका इसमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब ये था आपका मेथड नंबर 1, ठीक है। अगर आपके जैसे जैसे, ठीक है,
अब इसको सेकंड मेथड से अगर देखें तो हमारा कैसा होगा, ठीक है। देख हमारा सेकंड मेथड कहता है कि अगर कोई बीच में कॉमन हो, ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या था, दो, यानी कि तीन दो तीन दो, ठीक है, क्या था हमारा तीन दो तीन दो, ठीक है। अगर क्या था हमारा तीन दो दो तीन था ना, ठीक है, तीन दो दो और तीन था, तो हमारा ये कॉमन कौन सा है, डी वाला, ये है कॉमन। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारा सेकंड मेथड कहता है, ये कहता है जो हमारा जो नीचे वाली संख्या होगी वो थ्री से इंटू होगी, ठीक है, थ्री टू जै सिक्स, और ये दो संख्या फिर से इधर इंटू होगी, टू टू जै फोर, और जो आपकी ये वाली संख्या लास्ट वाली संख्या ये यहाँ इंटू होगी, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, कितना थ्री टू जै सिक्स। तो हम कह सकते हैं थ्री रेशियो दो रेशियो तीन, यानी कि यहाँ भी सेम निकल के आया, ठीक है, सेम निकल के आया, नहीं इनका टू टू जो फोर होता है ना, फोर है ये टू है, ठीक है, देखिए इसको, ठीक है, एक बार फिर से देखें, ये आपका फोर है, ठीक है। देखें अगर सबसे पहले क्या कहता है कि ये इधर इंटू होगा, ये इधर इंटू होगा, ठीक है, थ्री टू जा सिक्स रेशियो, फिर टू इधर इंटू होगा, टू टू जा फोर, फिर ये इधर इंटू होगा, ये अलांत, ठीक है, टू फोर जा एट, यानी हम कह सकते हैं थ्री रेशियो टू रेशियो फोर, इनके देखिए ऊपर देखिए, ये देखिए सेम आ रहा है ना, ठीक है, चाहे मेथड फर्स्ट चूज़ करो या सेकेंड, आपका आंसर सेम आना वाला है। ऐसे ही हम दूसरे उसमें अपना के देखते हैं इसको, इस ट्रिक को, तो देखा हमने, ठीक है, अभी कॉमन कोई नहीं ना, बी है कॉमन, ठीक है, बी दे रखा है ना, दो दो बार बी दे रखे हैं, तो क्या दे रहा है, जैसे इसने क्या दिया हमारा, तीन दो दिया, फिर तीन फिर दो दिया, ठीक है। अब देखें तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ठीक है, हमने किया इनटू, इनटू किया किसको किया, इसको इसको किया पहले, थ्री थ्री जा थ्री थ्री जा नाइन, फिर इसको इससे किया थ्री टू जा सिक्स, फिर इससे इनटू किया इधर, फिर टू टू जा फोर, यानी ये हमारा नाइन रेशियो सिक्स रेशियो फोर। अगर देखिए हम, ठीक है, नाइन रेशियो सिक्स रेशियो फोर, यहाँ भी देख सकते हैं आप, आपका नाइन रेशियो सिक्स रेशियो फोर आ रहा है। अगर आप कोई भी मेथड से करें, चाहे मेथड फर्स्ट से करें या मेथड सेकंड से करें, आपका आंसर सही आना है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको पहला मेथड पसंद है या सेकंड मेथड, ठीक है। तो आज की आपके लिए जितना मैंने सिखा रखा है इसका होमवर्क आपका यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ठीक है, आपको ए बी सी, ठीक है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है, आप इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए बता दूं मैं कि इसका आंसर लिख देता हूं मैं, इसका 10, 20, 15 और 12 इतना रेशियो आ रहा है इनका, ठीक है, इतना आपका क्या है आंसर, आप इससे ज़रूर निकालें, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन फॉर यू। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस कंसेप्ट में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।